हेलो एवरीवन, तो मैं अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड की थी कि शिव परिवार को मैं बनाई थी, कैसे बनाई थी मिट्टी से, तो वो सूख चुका था तो मैं इसको पेंट की हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से मैं पूरा कलरफुल और एकदम सुंदर सा मैं बना हूँ और ये पूजा के लिए एकदम से रेडी है। तो मैं यहाँ पे पहले वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ पूरे बेस में, ताकि इस पर कोई भी कलर दूँ तो अच्छे से उस पर चढ़े। तो जब ये वाइट कलर पूरी तरह से सूख जाएगा तो मैं इस पर कलर अप्लाई करूँगी। तो शिव जी ज़्यादातर नीले रंग के होते हैं, तो मैं नीला रंग यूज़ कर रही हूँ उनके पूरे बॉडी पे। तो इसी तरह मैं सबके कलर करूँगी, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि मैं ये 30 के लिए बना रही थी, अभी मेरे को पता चला कि मैं अभी 30 नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव में डेथ कर गए हैं। तो हमारे यहाँ पे होता है ना कि जब तक से होली ना पारो तब तक से कोई भी अच्छा त्यौहार वो नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ वाला इस तरह से। तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर करूँगी। इस बार मैं सिर्फ फास्ट रखूँगी क्योंकि ये मेरा पहला तीज था, और नेक्स्ट ईयर क्या है कि कोई भी नया त्यौहार उठाते नहीं हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ भी होता है क्या इस तरह से? तो मैं नहीं करूँगी, बस फास्ट रहूँगी और पूजा नहीं करूँगी बस। तो देखती हूँ ये मैं किसी को दे दूँगी कि वो पूजा कर ले, क्योंकि ये मेरे नसीब में नहीं था। तो भगवान जिनके नसीब में हो शायद उन्हें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं आधे तर कलर कर चुकी हूँ, सिर्फ कुछ फिनिशिंग टच देना था शिव जी के, पर बाकी उनका पूरा कलर मैं कर चुकी हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही। अभी माँ पार्वती और कार्तिक जी और गणेश जी का सबका मैं कलर करूँगी। तो फेस और पूरे बॉडी में मैं स्किन टोन दे रही हूँ इनके, ताकि वो रियल लगे करके। जैसे रियल में तो ऐसे हमारा टोन तो स्किन कलर के ही होते हैं थोड़ा इस तरह से। और मैं इनकी साड़ी को ना मैं पूरी तरह से रेड कलर दे रही हूँ, क्योंकि रेड कलर मेरे को ना बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से मैं मतलब कुछ भी पूजा के मामले में रेड येलो ये सब चीज़ ही बहुत अच्छे होते हैं, और बोलते हैं शुभ भी बोल माना जाता है। तो ये देखिए ये पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तो आप लोग को ये कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है। तो इस साल अगर आप लोग नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर आप लोग ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। बिलीव करो यार, मैं बना रही थी ना, मेरे को मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो चलिए ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप सभी का प्यार मेरे को मिलते रहे। तो मैं अभी आप लोग को फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसमें मैं ना लाइट भी लगाई थी चारों ओर, और थोड़ा बैकग्राउंड को भी सेटअप की थी तो और अच्छा दिख रहा था। और मैं यहाँ पे रुद्राक्ष जो था उसको मैं कलर कर रही हूँ, और सांप को मैं कलर नहीं की थी तो उनके गले में जो था उसको भी मैं कलर कर ली। और यहाँ पर मैं शिवलिंग बनाई थी उस पर भी मैं कलर कर रही हूँ। तो देखिए मेरा फाइनल लुक, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय भोलेनाथ। आप सभी को आप लोग का दिन शुभ हो और इसी तरह आप लोग के घर खुशहाली से भरा रहे।